क्या हो रहा है क्या हो रहा है डर लग रहा है इसमें डरने की क्या बात है ऊपर <laughs> तार का <को> <laughs> ये नहीं होगा ये नहीं होगा आपसे है ना क्या होगा होगा हम्म हाँ। हाँ चलो अब चलो 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 <laughs> यार ऐसे तो नहीं ना इतना तो तुम डाल रही हो देखो <laughs> यहाँ पे मुस्कान स्केटिंग सीख रही है भी भी। सीख रही रही है कर 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 नहीं 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 कार, कार का से रही हो देखो तो सही अभी इसको तार को ना कपड़ों वाली तार को पकड़ के चल रही है ओहो नहीं होगा बेटा आपसे बारबेक्यू का प्लान है और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं जुमा पढ़ के हवा बहुत तेज वाली हवा चल रही है धूप तो निकली हुई है लेकिन हवा भी बहुत तेज है ये देखें जी ये एक ग्रिल स्टैंड है जो फिश के लिए है, लेकिन अभी हम यूज़ करेंगे जी इसको इसके लिए इस आ, चिकन के लिए तो ये काफ़ी अच्छा और है प्यारा सा तो इसको हम जी यूज़ करेंगे अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो माई चैनल एंड वेलकम टू तो अनदर व्लॉग आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे तो जी आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ये फ्राइडे का व्लॉग है और ये यहाँ पे जी हम बारबी क्यों कर रहे हैं और चिकन की मैरिनेशन देखें आप इस दफ़ा मैंने थोड़ी चेंज करके की है चिकन काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई थी और उसके अलावा ना जूसी जूसी सी एकदम से वो ड्राई टाइप नहीं हो गई थी और उसके अलावा टेस्ट भी जो है ना वो इसका बहुत अच्छा आया था तो ये मैं इन किसी और ब्लॉग में या फिर किसी कुकिंग वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी मैरिनेशन मैरिनेशन बहुत अच्छी थी इस दफ़ा चेंज करके की थी थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने वो भी डाला था लेकिन घर के सारे मसाले डाल के और उनके साथ मैंने मैरिनेट की थी तो ये काफ़ी ज़्यादा जूसी जूसी सी और शाइनी सी भी मतलब बाद में ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी तो ये देख सकते हैं आप इसकी शक्ल बहुत अच्छे से ये ना ग्रिल हो रही थी तो छत पर थे हम लोग और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही थी लेकिन खैर हमने मैनेज कर लिया था और बच्चों ने भी पसंद की थी कि मेरीनेशन जो है ना इस दफ़ा टेस्ट जो है वो इसका बारबिक्यों का वो काफ़ी अलग है और ये देखें जी ये इसके साथ भी चटनी ग्रीन वाली चटनी के साथ भी एक सीक्रेट टिप जो है न, वो मैंने इस दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की है कि क्या है कि ये एकदम ये इसको फ्रीज़ किया हुआ था ऊपर ला के ना क्यूब्स रखी हुई थी ये मैंने इनको बना के तो मैंने क्या किया था कि इसको फ्रीज़ किया था लेकिन इसका कलर बिल्कुल ग्रीन और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी था और फ्रेश थी एकदम नहीं तो क्या होता है ना कि थोड़ी वो जो मिंट को आप फ्रीज कर देते हैं ना तो वो थोड़ा सा ना काला हो जाता है तो खैर जी ये मैं टिप आपके साथ दोनों इसकी मैरिनेशन की और इसकी चटनी की ग्रीन चटनी की ना आगे किसी जाके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो जी बारबिक्यू यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग छत पे भी उस तरह से नहीं बैठे थे यानी कि धूप छूप निकल तो रही थी लेकिन इतनी अच्छी से नहीं निकल रही थी और आज हवा तो थी लेकिन ये है कि धूप भी थी तो फिर ऊपर जी हमने बारबी किया तो बहुत मज़ा आया काफ़ी दिनों के बाद किया था वैसे हम फ्राइडे एक छोड़ के एक मतलब पंद्रह दिन बाद तो कारी लेते थे लेकिन इस दफा काफी लेट हो गया क्योंकि सर्दी की वजह से उस तरह से हाथ ही नहीं खुलता सो so जी ये है फ्राइडे लंच हमारा और इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी प्लांट्स की अपडेट्स दिखाती हूँ क्योंकि ये देखें जनवरी जो है वो गुज़र चुका है और जी फरवरी जो है वो स्टार्ट हो गया और अब प्लांट्स ही ना काफ़ी अच्छी हालत होने लगी है वैसे ये जो सकलेंट प्लांट्स हैं वह ये विंटर में ही ग्रो करते हैं और अच्छे हैं, मतलब इनके कलर्स वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादा सर्दी होने की वजह से भी ये धूप वगैरह नहीं लगती इनको ना तो फिर ये ख़राब होने लगते हैं तो ये देखें जी ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और इन पर ना फ्लावर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं लेकिन क्या है कि मैंने अभी तक इसके आगे समर के लगाए नहीं हैं तो इन वो भी मैं ला के लगाने वाली हूँ पिछली बार क्या हुआ था कि लास्ट सीजन में मैंने लगाए थे जी जल्दी थोड़ा जनवरी में लगा दिए थे समर के जो जितनी भी समर के फ्लावर्स होते हैं ना उनकी सारी सीडलिंग मैंने लगा दी थी जनवरी में तो क्या था कि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फिर वो प्लांट्स में मतलब है वो चीज़ नहीं रही थी कि वो एकदम मरे मरे से हो गए थे सर्दी की वजह से ही तो सीज़न आने पे भी उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई थी तो इसलिए मैंने इस साल सोचा था कि भी मैं ना इसको फैब्रिक के एंड मिड में लगाऊंगी क्या होता है ना कि काफ़ी अच्छा सा मौसम हो जाता है और फिर प्लांट्स पर उस तरह की वो मतलब वेदर का अफेक्ट नहीं पड़ता तो इनशाला फिर मैं वो ला लगाने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी बाय बाय